अपने कारनामों को लेकर चर्चा में रहने वाली रेवाड़ी पुलिस का एक नया कारनामा उस वक्त सामने आया जब पुलिस ने दो दिन की मासूम की सामान्य मौत को हत्या बताकर मात्र 16 घंटों में ही उसका फैसला कर दिया और पुलिस कप्तान का हवाला देकर बेकसूर लोगों पर इस कदर दबाव बनाया कि आनन फानन में उन्हें 2.5 लाख रुपए देकर अपना पीछा छुड़वाना पड़ा। इतना ही नहीं, पुलिस ने इस मामले में ये जानने तक की जहमत नहीं उठाई कि आखिर मासूम की यह मौत सामान्य है या फिर इसकी हत्या हुई है। केस दर्ज किया था, रात को रिपोर्ट लिखवाता है, तो वो सुबह जाकर हमने बोल दिया, ये जुग्गी वालों ने बोल दिया कि भाई ठीक है, जब अपना फैसला हो गया तब जाकर नहीं बिठाएंगे, बाद को जाकर हमारा केस वापस ले लेंगे और अपना राजीनामा लिख लेंगे और हमारे को पैसा दे दियो, आपका हमारा कैंसिल खत्म हो जाएगा। तो अभी बब्बू यहाँ से फरार है, वो यहाँ से फरार है सर। अब मजबूरी में क्या करते, क्योंकि 4 बच्चों की लाइफ का सवाल था, तो मैंने बोला भाई ठीक है। तो वहां पर जो एक्स ये चेयरमैन है विजय राव, वो उसका मतलब खास रोल था, उसने वो पैसे लिए और लेकर के वहीं बैठ करके उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब वो पैसा लेकर के वहां से आ गए और उन्होंने जो कागज पे लिख के दिया था, जो मैंने आप लोगों को कागज दिया है, उसके मुताबिक पूरी कार्रवाई करके उनके साइन वगैरह करवा दिया। उनके अंदर एक कालू नाम का आदमी है जो वो बोलता है कि मैं इनका ठेकेदार हूं। अब सुनने में आया है कि वो उसने 1 लाख रुपया ले लिया और जो बच्ची जिसकी मरी थी वो कहते हैं कि उसको 1.5 लाख रुपये वो ले लिया उसने और वो लेकर के यहाँ से जगह छोड़ के भाग गए, झुग्गी छोड़ के चला गया। और कालू को पुलिस ने अभी तक अरेस्ट नहीं किया है, कालू को अरेस्ट भी नहीं किया है और अभी भी वो लाइट लगाने से 2 दिन हो गया फिर बाज नहीं आ रहे, अब भी वो लाइट लगा रहे हैं लगातार। तो आपने प्रशासन, जबकि मैं लगातार रिपोर्ट कर रहा हूँ, रिटर्न में कर दिया, वर्बली कर दिया, लेकिन आज तक हमारी सुनवाई कहीं भी नहीं। मोहल्ले के लोग कह रहे हैं कि मामले को थाने में ही समझौता कर दिया गया, रफा दफा कर दिया गया, इसके बारे में सर अगर संज्ञान में आता है तो क्या कुछ कार्रवाई होगी? मैं इसकी कराऊंगा, आपने बताया है।